Hello everyone, welcome again. Welcome to the fourth lecture of probability. Mathematical statistics ka probability jo topic hai hum wo kar rahe the. Teen videos hum kar chuke hain. Un teen videos mein humne jo mainly last ke do videos mein dekha tha probability ke teen approaches humko padhni hai. Un teen approaches mein maine classical approach aapko batayi thi. Classical approach Bernoulli ne di thi. Aur क्लासिकल अप्रोच की डेफिनेशन क्या होती है उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और उसके ड्रॉबैक्स क्लासिकल अप्रोच के कुछ मेन ड्रॉबैक्स थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने उसके बाद उसके किए थे. तो आज का जो वीडियो है दो अप्रोचेज हमारी बची हुई हैं. उन दो अप्रोचेज को हम आज के वीडियो में देखेंगे और इसके बाद के वीडियोस में हम कंबाइंडली प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पर आते हैं. वैन मीसेंस ने ये जो डेफिनेशन है वो दी थी. हर एक स्टैटिस्टिशियन का नाम भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये नाम भी पूछ दिया जाता है. तो क्लासिकल अप्रोच की मेन ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो वो ड्रॉबैक क्या था. वो ड्रॉबैक था कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की निकाल नहीं पा रहे थे. किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग. आज स्टैटिस्टिकल में इस जो क्लासिकल का ड्रॉबैक था उसको कुछ हद तक कम करने की कोशिश की गई. डेफिनेशन क्या है? इफ इन एन ट्रायल्स, ट्रायल्स के नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं एन, एन इवेंट ए, किसी इवेंट ए के होना जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं एम है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है. जो क्लासिकल अप्रोच में हम सिर्फ एम अपॉन एन लेते थे इसमें एन टेंड्स टू क्या है? इन्फिनिटी है. तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसमें आप लिमिट क्या लगा दोगे? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब एक स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं. अगर मैं मीन की बात करूं, मीन में अगर हम बात करें, एक क्लास का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और एक क्लास में हमने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में क्या था, 100 मार्क्स का मैंने एक टेस्ट लिया तो दो स्टूडेंट्स थे क्लास में, एक के 0 मार्क्स और एक के टोटल 100 में से 100 मार्क्स आ गए. तो अगर हम एवरेज निकाले तो मीन निकाले तो कितना हुआ? 0 + 100/2 का मतलब क्या है? 50. क्या मतलब है 50 का? 50 का मतलब यह है कि दोनों स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए? 50 और 50. क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है. एक के 0 मार्क्स आए थे, एक के 100 मार्क्स आए थे. तो यहां से आपको एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स कम है तो जो मीन है वो उतना एक्यूरेट नहीं आता, वही प्रोबेबिलिटी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 की जगह पे 50 स्टूडेंट्स में ही हम ये दोबारा से ये केस अप्लाई करें तो वहां पे जो मीन आ रहा होगा वो इसके कंपैरेटिवली और थोड़ा सा एक्यूरेट आ रहा होगा. एग्जैक्ट मीन कभी भी नहीं आ सकता. अगर आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में जो मीन है, या फिर प्रोबेबिलिटी, मैं मीन से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बड़े इजीली समझ में आ जाता है. तो प्रोबेबिलिटी भी स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन में यही था कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग एक्यूरेट आती है. जैसे हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? हाफ और हाफ, हेड की और टेल की. लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब यहाँ इसको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं. नंबर ऑफ टॉसेस है, ये नंबर ऑफ टॉसेस यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, 250, 300. हेड आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. आप देखेंगे कि जब नंबर ऑफ टॉसेस 100 थे उस केस में जो ये फ्रिक्वेंसी है ये 0.5 से बहुत ज्यादा दूर है, ये डिस्टेंस आप देखिए. लेकिन जैसे ही 150 पे आप जा रहे हैं तो 0.5 का मतलब क्या है? हाफ. जो हम बात करते हैं ना कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो जैसे ही 150 पे हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ टॉसेस 150 ले रहे हैं, तो ये लेंथ और डिस्टेंस कम होते जा रही है. और जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स 300 के पास पहुंच रहे हैं उस पे क्या हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ हेड्स की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट हाफ की ओर अप्रोच हो रही है. तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन बेस्ड है वो है
लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स पे, अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम अपॉन एन, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स और एन क्या है फेवरेबल आउटकम्स। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के केस में इस स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन का यूज होता है। इसके लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस का पहला पॉइंट क्या है, द कंडीशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मे नॉट रिमेन द सेम इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रायल्स। जो स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन थी वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए मेनली बेस्ड है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में हम स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में उतने नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए आप एक सेम कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते उतनी देर तक। पहला ड्रॉबैक ये था इसका। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मे नॉट अटेन अ यूनिक वैल्यू इन स्पाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा जब तक नहीं होंगे तब तक आपको एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही थी, जैसे मैंने आपको ग्राफिकली बताया था अभी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जा रहे थे उसी केस में आपको एक यूनिक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही थी। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्लासिकल अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए अप्लाई नहीं हो पा रही थी, वैसे ही कम नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो उस केस में आप इस स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन का यूज नहीं कर सकते। तो ये दो मेन ड्रॉबैक्स थे इसके, किसके, स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन के। तो आते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की लास्ट अप्रोच जो एक्सियोमेटिक अप्रोच थी उसको समझते हैं। ये जो अप्रोच थी ये आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ये पूरी जो थ्योरी है वो बेस्ड है सेट थ्योरी पे। जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, सेट थ्योरी पे। इस पे क्या होगा, आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या किसी भी इवेंट को आप निकाल रहे हैं, तो पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, पूरा एक सेट फॉर्म करेंगे एस, और उसके बाद जो इवेंट वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, जिस इवेंट की बात कर रहा है उस सेट ए को फॉर्म करेंगे, और उसके बाद ए की जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो जो सेट ए फॉर्म हो रहा होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको एस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसके जो तीन एग्जिम्स हैं वो क्या क्या हैं, कि हर एक इवेंट, एक कोई भी इवेंट आपने एस का लिया उसमें ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, ये आपको पहले से भी बताया, ये अप्रोच एक्सियोमेटिक अप्रोच से आपको पता लगा है कि ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रियल नंबर होती है जो नेगेटिव नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी। और सैंपल स्पेस जो एस है, जो पूरा सेट एस फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपने एस जो सैंपल स्पेस है वो फॉर्म करना है, और उसके बाद जो इवेंट ए की बात हुई है उस इवेंट के सेट ए को फॉर्म करना है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिवाइड कर दो तो आपको ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और इसी तरीके की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेनली यूज होती है क्वेश्चंस में, आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है उसके तीन एग्जिम्स आप याद रखें, और एक कंडीशन इसमें और याद रखें आप, कि अगर कोई भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जैसे A1, A2, A3, A4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल होती है इनकी इंडिविजुअली जो प्रोबेबिलिटी है उनके सम के। तो ये कंडीशन भी याद रखें। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच एग्जिम्स पे बेस्ड है, सेट थ्योरी पे बेस्ड है, और सैंपल स्पेस की थ्योरी पे बेस्ड है। तो आइए जो एक्सियोमेटिक अप्रोच थी उस पर बेस्ड हम एक थ्योरम देखते हैं। इफ ए बार इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको पता है फॉर्मूला पहले से भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। सैंपल स्पेस अगर हमने एस लिया और उसका एक इवेंट हमने ले लिया ए, एस ये लिया हुआ है, ए बार क्या हो जाएगा, इसके बाहर का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ए बार। तो आप देखिए दोनों इवेंट जो है ए और ए बार, ए एंड ए बार आर डिसजॉइंट। और दूसरा कि आप ए और ए बार का यूनियन अगर हम लेते हैं तो ये एस बन जाएगा, क्योंकि ए और ए बार को पूरा मिलाएंगे तो एस के इक्वल आ जाएगा। और ए बार दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हर एक इवेंट में कोई भी इवेंट कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। तो अभी मैंने आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच में लास्ट में बताया भी कि
कि अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों साइड अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, पी ए प्लस पी ए बार, डिसजॉइंट्स हैं दोनों, तो उस एग्जिम का यूज किया। और एक एग्जिम उसमें क्या थी कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, सेकेंड एग्जिम जो लिखी हुई थी, तो यहां से क्या मिल जाएगा, पी ए बार इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये रिजल्ट हमको इसमें प्रूव भी करना था। और अगर आपको इसी में आपको ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज ऑलवेज जीरो, तो वो भी आप इसी थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, फाई अगर हम इस एस का बार निकालें, यानी कि एस के एस का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, एस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाई हो गया, तो पी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस बार, पी फाई इक्वल टू, अभी हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया, तो पी एस बार क्या हो जाएगा, वन माइनस पी एस, तो पी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस पी एस क्या होता है, सेकेंड एग्जिम से वन जीरो, तो पी फाई कितना हो जाएगा, जीरो। तो वो रिजल्ट भी आप इसी थ्योरम के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो तीनों अप्रोचेस हमने पढ़ ली है प्रोबेबिलिटी की। अब जो नेक्स्ट वीडियोस हम लेकर के आएंगे, उन वीडियोस में कुछ हम न्यूमेरिकल्स थ्योरम्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस निकालना, मीन निकालना, वो हम बाद में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।